दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल हेल्दी हेल्थ फॉर एवर पे। मैं आज आपके सामने ऐसे एक फल के बारे में बात करने जा रहा हूं, क्योंकि एक बेहतरीन हर्बल मेडिसिन है या रेमेडी है, बहुत सारे बीमारियों में आपको बीमारियों से बचाने में मदद करती है। इसके अंदर विटामिन सी बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आंवला के बारे में। आंवला आंवला जो एक ऐसा फल है जो बहुत सारी बीमारियों में काम है। तो जैसे हमने बात की कि भाई ये विटामिन सी का खजाना है, विटामिन सी अगर ज्यादा है तो देखिए ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो जितने भी इन्फेक्टिव बीमारियां हैं, चाहे वायरल बीमारियां हैं, फंगल बीमारियां हैं, बैक्टीरियल बीमारियां हैं, आप देखिए कोविड के टाइम में भी विटामिन सी खूब यूज होता था। तो आप आंवला अगर ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपको विटामिन सी मिलेगा और जो इसके दूसरे एंटीऑक्सीडेंट्स है वो भी आपको मदद करेंगे सेल्स को रिपेयर करने में और आपकी एक तरह से एजिंग की प्रोसेस को धीमा कर देंगे। उसके अलावा आपको इम्यूनिटी बढ़ाएगी, तो जो भी इन्फेक्टिव डिजीज है उनसे लड़ने में आपको मदद मिलेगी। दूसरा, देखिए ये एंटीऑक्सीडेंट्स के तौर पे काम करता है, तो इसके अंदर टैनिन्स होते हैं, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, पॉलीफिनॉल्स होते हैं। ये जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो जो सेल के अंदर एक स्ट्रेस बनता है, जो फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं, उनको बाहर निकालने में मदद करते हैं। तो दो तरीके से आपको ये काम करता है, उधर तो विटामिन सी है और इसके अंदर ये एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं, इसलिए ये जो आपको बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी देता है। और इसलिए हम बार बार कहते हैं कि आंवला खाने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, क्योंकि सेल्स को रिपेयर करता है, रीजनरेट करता है, तो ये बीमारी से अच्छे से लड़ पाती है। तीसरा जो फायदा होता है आंवले का वो होता है ये कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है। कोलेस्ट्रॉल आपके लीवर में बनता है और ये लीवर की हेल्थ को भी इंप्रूव करता है। तो जो अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल है उसके प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है, HDL जिसको कहते हैं, और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, जो खराब कोलेस्ट्रॉल है, और जो ट्राइग्लिसराइड्स है, LDL और ट्राइग्लिसराइड्स, उनके लेवल को ये कम करता है। आर्टरीज में जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है उसके डिपॉजिट को कम करता है। तो सोचिए कि फिर आपके हार्ट अटैक के खतरे को भी कम करता है। और अगर बुरा कोलेस्ट्रॉल कम बनेगा तो आपको ओबेसिटी भी नहीं होगी, आपके मोटापे को भी ये कम करेगा। आंवला जो है, चाहे आप साबुत आंवला खाएं, चाहे आंवले का पाउडर इस्तेमाल करें, चाहे आप किसी दूसरी फॉर्म में इसको इस्तेमाल करें, ये ब्लड शुगर को भी रेगुलेट करने में मदद करता है, क्योंकि इसके अंदर जो कुछ प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं वो इंसुलिन की रेसिस्टेंस को इम्प्रूव कर देता है, तो इंसुलिन की एक्टिविटी को बढ़ाएगा। दूसरे, जब हम इसको खाते हैं तो डाइजेशन को अच्छा करता है, इसके अंदर फाइबर की अच्छी मात्रा पाई जाती है, तो जो ग्लूकोज का अब्जॉर्प्शन है आंतों के अंदर उसको रिड्यूस करता है। तो इसके खाने से फिर आपका ब्लड शुगर एकदम तेजी से नहीं बढ़ता है, इस प्रकार से ये आपके ब्लड शुगर को भी रेगुलेट करने में काफी मददगार साबित होता है। पांचवा, देखिए डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज लेके आता है, बहुत अच्छा डाइजेस्टिव है, चाहे आपको चूर्ण के तौर पर इस्तेमाल करें, चाहे आप इसको त्रिफले के तौर पर इस्तेमाल कर रहे होंगे, चाहे इसकी दूसरी चटनी बन के आती है, जैसे यूनानी में जवारी शामला आता है, अगर आप इसका सुबह शाम एक एक चम्मच खाते हैं तो बेहतरीन, ये एक तो खट्टी डकारों को रोकता है और डाइजेशन को बढ़ा देता है, हाजमे को बढ़ा देता है। तो ओवरऑल अगर आप साबुत आंवला भी खाएंगे तो उससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव होगा और आपका डाइजेशन बढ़ जाएगा, आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा। और जो छठा इसका बेनिफिट है, जैसे हमने पहले बात की, ये बालों की जो प्री मैच्योर ग्रेइंग है, बाल जल्दी कम उम्र में जो सफ़ेद हो जाते हैं उनको भी रोकता है और बालों के गिरने को भी रोकता है। आप इसको दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन डेंड्रफ में भी ये फायदा करता है। एक तो आप इसको कूट के आप इसके अगर पेस्ट को अपने बालों में लगाते हैं तो उसमें भी आपकी प्रीमेच्योर ग्रोइंग में हेल्प करता है, बालों को गिरने से रोकता है। और साथ ही साथ अगर आप आंवले का ऑयल भी यूज़ करते हैं, बल्कि इसके साथ एक कॉम्बिनेशन अगर मैं बता दूँ, तीन ऑयल अगर आप मिला लेते हैं, एक होता है एग का ऑयल जिसको रोगन बेजैमुर्ग कहते हैं, एक रोगन जरारी आता है और एक ये रोगन आंवला या आंवले का तेल आता है, इनको तीनों को अगर बराबर क्वांटिटी में मिला के आप अपने बालों में रोज लगाते हैं तो आपके बाल गिरना बंद हो जाते हैं और प्रीमेच्योर ग्रोइंग भी रुक जाती है। सो बहुत बेहतरीन रोल है, नेचुरल फॉर्मूला है। पका हुआ खाएंगे, खट्टा मीठा टेस्ट आता है, तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप दूसरी फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आंवले का मुरब्बा बनता है, लेकिन जो डायबिटिक्स हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि वो मुरब्बा ना खाएं, क्योंकि ये मीठा होता है। जो डायबिटिक है वो पाउडर वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं या फल भी सीधा खा सकते हैं। आंवले का जूस आप पी सकते हैं, जूस से भी आपको वही फायदे मिलेंगे। कोशिश करें कि उसको पूरी तरीके से ना छाने, सिर्फ उतना करें कि उसके बीज निकल जाए, जिसमें आप चाहें तो स्वाद के लिए दूसरी चीज़ें भी मिला सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। आंवला पाउडर मार्केट में मिलता है, आप घर पे भी आंवला पाउडर बना सकते हैं। आंवला पाउडर का एक एक चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपको वजन घटाने में मदद करेगा, डाइजेशन में मदद करेगा, और जो बाकी हमने ऊपर फायदों की बात की उन सब में इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, ये काम की रहेगी। आप जरूर आंवले का इस्तेमाल करें और फिर देखें कि आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, चाहे हम स्किन ग्लो की बात करें या दूसरे एंटीऑक्सीडेंट्स के तौर पर इसके फायदे की बात करें, ये आपको जरूर फायदा देगा। तो आपने देखिए, अगर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का बटन भी दबा लें, सो दैट इस तरह के हेल्थ इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको समय पे मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली किसी वीडियो में।